बिगर नंबर। अब बिगर नंबर हम किसे कहते हैं? बिगर नंबर मतलब बड़ा नंबर। जब हमें कोई दो नंबर दिए हैं तो हम उसमें से कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर बिगर है? तो इसके लिए हम बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन है सर्कल द बिगर नंबर। हमें जो बड़ा नंबर है उस पर सर्कल करना है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 7 और 3। ओके, पहले नंबर 7 और 3 है। अब 7 और 3 में से हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा नंबर बिगर है? तो इसके लिए हम नंबर लाइन पे जाएंगे। यहाँ मैंने लिखे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें जो नंबर पहले आता है वो स्मॉलर रहता है, जो नंबर बाद में आता है वो बिगर आता है। हमारे पास कौन से दो नंबर है? 7 और 3। तो इस नंबर लाइन पर जब हम जाएंगे तो 3 पहले आता है और 7 जो है वो बाद में आता है, तो 7 जो है वो बिगर नंबर हो जाएगा। तो 7 और 3 में से बिगर नंबर कौन सा है? 7। तो हम सर्कल किसके ऊपर करेंगे? 7 पे करेंगे। अब यहाँ पर तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें 3535 है और 4545 है। अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर बिगर है? तो इसमें हम टेंस प्लेस देखेंगे। यहाँ पर क्या है? 3 और यहाँ पर क्या है? 4। या तो हम टेंस प्लेस भी देख सकते हैं या हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। ये जो हमारा डायरेक्शन है हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। पहले हम लेफ्ट प्लेस पे देखेंगे और फिर राइट प्लेस पे देखेंगे। तो लेफ्ट प्लेस पे जब हम दोनों नंबर्स देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। और जब हम नंबर लाइन पे जाते हैं तो 3 पहले आता है कि 4 पहले आता है? 3 पहले आता है, 4 3 के बाद में आता है ना। तो 4 जो है वो 3 से बिगर हो गया। तो 4 4 45, 3 5 35 से बिगर नंबर हो गया। तो हम किस पर सर्कल करेंगे? हम 4 5 45 पे सर्कल करेंगे। हमारा नेक्स्ट नंबर है 9191 एंड 9696। इस नंबर में जो टेंस प्लेस है वो दोनों सेम है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। तो अब हम वन स्पेस देखेंगे। वन स्पेस में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 है। ओके, और यहाँ पर क्या है? 6 है। ठीक है, अब 1 और 6 में से कौन सा नंबर पहले आता है नंबर लाइन पे? 1 पहले आता है कि 6? 1 पहले आता है, 6 1 के बाद में आता है। तो 6 जो है वो 1 से बिगर नंबर हो गया। तो 9696, 9191 से बिगर नंबर हो गया। तो हम किस पर सर्कल करेंगे? हम 9696 पे सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट सामने 5050 एंड 7070। अब इसमें जब हम टेंस प्लेस देखेंगे यहाँ 5 है यहाँ 7 है। ओके, तो 5 पहले आएगा कि 7 पहले आएगा नंबर लाइन पर? 5 यहाँ है और 7 5 के बाद में आता है। तो 7 जो है वो 5 से बिगर हो गया। तो 7070 5050 से बिगर हो गया। तो हम किसके ऊपर सर्कल करेंगे? हम 7070 पे सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर है 1313 एंड 1818। यहाँ पर भी हम देखेंगे टेंस प्लेस दोनों जगह सेम 1 है। ओके, अब नेक्स्ट जो नाम देखेंगे वंस प्लेस, यहाँ पर वंस प्लेस में क्या है? 3 और यहाँ पर वन स्पेस पे क्या है? 8 है। ओके, 3 और 8। तो अब 3 नंबर पहले आएगा कि 8 नंबर पहले आएगा? इस नंबर लाइन पर जब हम देखेंगे तो 8 जो है वो 3 के बाद में आता है। तो 8 जो है वो 3 से बिगर हो गया। ओके, तो 1313 से 1818 जो है वो बिगर हो गया। तो हम किस पे सर्कल करेंगे? हम 1818 पे सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर्स हैं 2424 एंड 6666। इसमें जब हम टेंस प्लेस देखेंगे तो टेंस प्लेस में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। ओके, और वन स्पेस में यहाँ 4 है 6 है। मगर जब हम 2 और 6 देख रहे हैं तो 2 और 6 में 2 पहले आता है और 6 बाद में आता है। ठीक है, तो 6 जो है वो 2 से बिगर नंबर हो गया। तो 6666 जो है वो 2424 से बिगर नंबर हो गया। तो हम किस पर सर्कल करेंगे? हम 6666 पे सर्कल करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया ना सब? तो जिस जो नंबर नंबर लाइन पर पहले आता है वो छोटा रहता है और जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा रहता है, बिगर रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिगर नंबर। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।